अगला सवाल थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। एक VT डायग्राम दिया गया है किसी साइक्लिक प्रोसेस का और इसके करस्पॉन्डिंग हमें PV डायग्राम जो है वो सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। कहा गया थर्मोडायनेमिक साइकिल XYZX इज शोन ऑन अ VT डायग्राम। ये देख सकते हैं VT डायग्राम दिखाया गया है जिसमें से ये YZ प्रोसेस जो है, देखेंगे इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो YZ प्रोसेस को मैं आइसोकोरिक प्रोसेस बोल सकता हूँ, है ना। इसमें जो है जो ZX प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसको कहा जा सकता है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और ये XY प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है देखेंगे कि ये एक तरह से लीनियर है, मतलब इसमें V प्रोपोर्शनल टू T आएगा। ये तभी हो सकता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। आइडियल गैस इक्वेशन से देखेंगे अगर ये कांस्टेंट मान लिया जाए तो V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, मतलब कि ये जो लाइन है जो XY प्रोसेस है ये आइसोबारिक प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा और इसीलिए V प्रोपोर्शनल टू T आएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं PV डायग्राम पर, तो वो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला चीज ये है कि PV डायग्राम में आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो ऐसा आता है। PV डायग्राम में आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा आता है, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है? XZ, है ना। तो देखेंगे इस दोनों ऑप्शन में जो है कोई भी कर्व नहीं दिया गया, स्ट्रेट पाथ दिया गया है, ठीक है। जो ZX प्रोसेस है ZX यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ZX यहाँ भी स्ट्रेट लाइन दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक। इन दोनों में कर्व दिया गया है तो ZX कर्व जो है वो दिया गया है, ZX जो है ना यहाँ पर ये ZX आइसोथर्मल है, तो ZX आइसोथर्मल देखेंगे आप इसमें दिखाया गया है, तो ये जो फोर्थ वाला है ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, है ना। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें XY को कर्व दिखाया गया, XY जबकि इसमें क्या है, XY आइसोबारिक प्रोसेस है। तो XY प्रोसेस एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए था जैसा कि इसमें दिखाया गया है ना, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।